क्लास 9th, आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 4 टैक्सी वाला। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊँगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए क्या है, आप अल्मोड़ा से कोसी जा रहे हैं, राइट। हमने कुल दूरी मान ली इसकी, अब ये अपने मन से मान रही हूँ, सपोज 15 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने दूरी अपने मन से मानी है 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अल्मोड़ा से कोसी के बीच में एक आपका आता है सियालीधार, या सेंट्रल स्कूल कह दीजिए, सेंट्रल स्कूल आपका बीच में सेंट्रल स्कूल पड़ता है, ठीक है। तो क्या है आपका, आपने अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल होते हुए कोसी जाना है। हमने कहा अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल तक जब आप जा रहे हैं तो आपके 10 रुपये पड़ रहे हैं। कहाँ कितने पड़ रहे हैं, 10 रुपये। या एक तरीका इसको और समझिए, आप अल्मोड़ा से कोसी जाने के लिए या सेंट्रल स्कूल जाने के लिए बस पकड़ते हैं, बस में बैठते हैं, तो बस में आपने कोने में देखा होगा आगे से लिखा होता है न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया कितना रुपया, 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भी यही कहा कि हमने अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल जाना है, 10 रुपया मिनिमम किराया, मीन्स सेंट्रल स्कूल जाने तक आपका 10 रुपया कम से कम पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल स्कूल से आगे जाके कोसी जाते हैं तो आपको अतिरिक्त रुपये और पड़ेंगे, यानी अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल का 10 रुपया है। अगर आप उससे भी पहले उतर जाते हैं, जैसे अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल जाने के बीच में एक पांडे खोला भी पड़ता है, अगर आप उस स्थान पर उठ जाते तो आपको 10 रुपये तब भी देने ही देने हैं, क्योंकि बस का न्यूनतम किराया 10 है, उससे कम नहीं लिया जा सकता, ये कंडीशन होती है। तो इस चीज़ को यहाँ समझिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं। उसने कहा है कि हमारी कुल दूरी एक्स किलोमीटर है। देखो अब मैं चित्र तो बना के सिखा रही हूँ, यह है हमने कहा अल्मोड़ा, ये कोसी, यहाँ पर हमने कह दिया सेंट्रल स्कूल, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पांडे खोला होगा, अगर इससे पहले उतर जाते तब भी आपको 10 रुपये देने दें। ऐसे इसने क्या कहा है, यह आपकी एक्स किलोमीटर की दूरी है, इसमें से 1 किलोमीटर उसने अलग कर लिया, मीन्स उसका किराया उसने पहले ही बता दिया। जैसे मैंने बताया अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल का किराया कितना बताया मैंने, 10 रुपये, यानी आप अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल जाओगे तो 10 रुपये पड़ेंगे, उससे पहले भी उतर जाओगे तब भी आपको 10 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है। तो ऐसी ही एक्स किलोमीटर की कुल दूरी थी, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया आपको 8 रुपया दिया है, आप उससे पहले भी उतर जाते हो तब भी आपको मिनिमम 8 रुपीज़ देने हैं, तुलना करते हुए चलना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमने कहा अल्मोड़ा से कोसी हमने दूरी 15 किलोमीटर की मान रखी है, ठीक है, ये कुल दूरी हमने मान ली, और सेंट्रल स्कूल को हमने मान लिया 8 किलोमीटर की दूरी पर। सेंट्रल स्कूल को कितनी दूरी पर मान लिया, 8 किलोमीटर। तो अब आप सेंट्रल स्कूल से कोसी की दूरी आराम से बता सकते हैं, कैसे, कुल दूरी आपको पता है, उसमें से 8 को माइनस कर दीजिए इतनी दूरी को, यानी 15 - 8 = 7 किलोमीटर, पता चला। कुल दूरी कितनी, यानी अल्मोड़ा से कोसी की कुल दूरी आपको पता है 15, और अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल की कुल दूरी आपको पता है 8, तो बची हुई दूरी सेंट्रल स्कूल से कोसी की 15 - 8 = 7 किलोमीटर। तो सेम यहाँ पर देखिए, इसी की तुलना करिए, कुल दूरी कितनी है एक्स, उसमें से 1 किलोमीटर को अलग कर दीजिए, कुल दूरी में से जो से दूरी तय हो जाती है उसको माइनस करते हैं, कुल दूरी में से जो दूरी तय हो जाती है उसको माइनस करिए, अब बची हुई दूरी कितनी हुई x - 1 किलोमीटर, शेष दूरी का पता चल गया होगा। अब किराए की बात करते हैं, देखो किराया कैसे हुआ, किराया अगर हमने निकालना है तो किराया कैसे निकलेगा, अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल स्कूल, और फिर प्लस सेंट्रल स्कूल से कोसी, ठीक है। अल्मोड़ा से सेंट्रल स्कूल तक तो क्या है आपका, 10 रुपया है ही। अब कोसी तक जाने पर उसने कंडीशन रख दी है कि अगर वो सेंट्रल स्कूल से 1 किलोमीटर अधिक जाता है तो 5 रुपया देगा, 2 किलोमीटर अधिक जाएगा तो 10 रुपया, यानी 1-1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है,
ठीक है, मान लेते हैं आप हैं, आप अल्मोड़ा से कोसी गए, तो आपने 10 रुपये तो मिनिमम देने हैं। सेंटर स्कूल से आगे को आप 3 किलोमीटर और चलें, कितनी दूरी तय करी, 3, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 5, तो उसको आप किराए से क्या कर दोगे, इंटू। तो सेम यहाँ पर देखो, कुल किराया कितना था, वाई। कैसे निकालेंगे, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया प्लस एक्स माइनस 1 किलोमीटर का किराया, राइट। तो कैसे हो गया, 1 किलोमीटर का किराया कितना था, 8, प्लस एक्स माइनस 1 दूरी है, उसको 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर किराए से गुणा कर दीजिए, यानी 5 से, तो बन गया 8 प्लस 5x-5, तो बनेगा 5x+3। अब इसको एक बार आप अच्छे से देखिए, समझिए, अभी भी नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, नहीं आएगा फिर से मुझसे पूछ सकते हैं।